यू नीड ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ इश्यू देखने को मिल रहा है, आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है गाइज इस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है व्हाट्सएप का कोई भी मॉडर्न वर्जन यूज करते हैं, जैसा कि आपका GB व्हाट्सएप हुआ, FM व्हाट्सएप हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे जो है व्हाट्सएप के मॉडर्न APK हैं जिनको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो भाई उसको अभी से डिलीट कर दीजिए और यहां पे WhatsApp का ऑफिशियल वर्जन कर लीजिए, नहीं तो आपको ये इश्यू जो है देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ WhatsApp आपका नंबर भी बैन कर सकता है कभी भी, और एक बार आपका नंबर बैन हो जाता है WhatsApp पे तो आप जल्दी उसको अनबैन भी नहीं करवा पाएंगे। तो ये इशू जो है बेसिकली तभी देखने को मिलता है जब आप जो है WhatsApp का कोई जो है यहां पे मॉडर्न वर्जन यूज करते हैं, WhatsApp का जो ऑफिशियल वर्जन आप यूज नहीं करते तब आपको ये इशू जो है देखने को मिलता है। अब यहां पे गाइस कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने WhatsApp का मैं ऑफिशियल वर्जन यूज कर रहा हूं फिर भी मुझे ये इशू जो है देखने को मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप जो इस इशू को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। चलिए सारा कुछ आपको हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और देखना होगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड है या नहीं। अगर आपने यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले गाइस इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं करते गाइस तो यहाँ पे ऐसा इश्यू जो है देखने को मिल सकता है आपके ओल्ड वर्जन में। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पे गाइस आपको व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद भी कुछ वर्क करना है। अगर आपका यहाँ पे अपडेट करने के बाद भी आपको सेम इशू देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सेटिंग आपको आपके प्ले स्टोर में कर लेनी है जिससे गाइस आपको जो ये इशू देखने को ना मिले। तो यहाँ पे सिंपली गाइस आपको क्या करना होगा, जब भी आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपका जो है यहाँ पे प्ले स्टोर का अकाउंट देखने को मिलेगा, जो कि गूगल अकाउंट आपके प्ले स्टोर पे लॉगिन होता है। आपको सिंपली गाइस क्या करना है, इसी गूगल अकाउंट पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे गाइस चलिए हम गूगल अकाउंट पे चलते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे क्या सेटिंग्स आपको करनी है। तो जैसे गाइस गूगल अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट। गाइस आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है, प्ले प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा नो हार्मफुल एप्स फाउंड। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में। यहाँ पे गाइस स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, इसको आपको ऑफ कर देना। ये क्या करता है बेसिकली कि आपका यहाँ पे जो है प्ले प्रोटेक्ट से जो है आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे स्कैन करता है ताकि उसमें जो है अगर कोई इश्यू रहता है तो वो यहाँ पे उस एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ बता देता है कि ये एप्लीकेशन आपके लिए हार्मफुल है आपके डिवाइस के लिए या नहीं। तो इसको सबसे पहले ऑफ कर लेना है। इसके बाद में गाइस आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली आपके व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप ऐप को लॉन्ग प्रेस करके रखना है गाइस, और इसके बाद में गाइस यहाँ पे ऐप इन्फो आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन। गाइस आपको यहाँ पे सिंपली स्टोरेज के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्लियर कैशे और क्लियर डाटा। गाइज आपको सिंपली यहाँ पे क्लियर कैशे कर देना और क्लियर डाटा भी कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप क्लियर डाटा करेंगे तो अगेन से आपके अकाउंट को आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगेन से लॉगिन करेंगे, अगर आपने अपने चैट का बैकअप नहीं लिया है तो भाई आपकी चैट जो है वापस नहीं आएगी। अगर आपने अपने चैट का बैकअप लिया व्हाट्सएप में तो आपकी चैट भी यहाँ पे सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली गाइज आपको यहाँ पे क्लियर कैशे क्लियर डाटा दोनों ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फोर्स स्टॉप कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है फोर्स स्टॉप देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप को फोर्स स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद में लॉगिन करने की कोशिश करिए, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आप सक्सेसफुली यहाँ पे व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अभी आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो यहाँ पे ऑफिशियल वाला जो इशू देखने को मिलता है, ऑफिशियल व्हाट्सएप वर्जन वाला, वो यहाँ पे जो है आपका अभी फिक्स हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।